Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are happy and safe. आज हम बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर प्लेटर. इसमें रहेगा पनीर भुर्जी, जीरा राइस एंड पालक सब्जी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द रेसिपी. सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 1/4 कप बासमती राइस. राइस को साफ पानी से 3 बार वॉश कर लेंगे. अब राइस में ऐड करेंगे 1.5 कप वाटर. स्टोव की फ्लेम ऑन कर लेते हैं और राइस को पकने के लिए रख देते हैं और फ्लेम को स्लो कर देंगे. राइस पक रहे हैं तब तक हम पनीर भुर्जी बनाना स्टार्ट कर देते हैं. एक कढ़ाई में लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल. ऑयल गर्म हो जाए फिर उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ ऑनियन. ऑनियन हल्का सा पक जाए फिर डालेंगे 1 टीस्पून चिली पेस्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. जिंजर गार्लिक की कच्ची स्मेल चली जाए तब तक इसे हम पकाएंगे. राइस चेक कर लेते हैं. राइस भी पक गए हैं, अब इसे हम छान लेते हैं. ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. जिंजर गार्लिक भी पक गया है, अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर. इसे मिक्स कर लेते हैं. अब इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, पिंच ऑफ हल्दी, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुर्जी मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला. सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे 3-4 टेबलस्पून ऑफ पानी. इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे. 2 मिनट बाद टमाटर को चम्मच की हेल्प से प्रेस कर देंगे ताकि ग्रेवी स्मूथ हो जाए. इसे ढककर 1 मिनट के लिए और पकने देंगे. ऑयल ग्रेवी से अलग हो गया है, इसका मतलब ग्रेवी पक गई है. अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ग्रेटेड पनीर. आप चाहो तो पनीर को स्क्रैम्बल करके भी डाल सकते हो. इसे मिक्स कर देते हैं और इसे ढककर 1 मिनट के लिए और पकाएंगे. हमारी पनीर भुर्जी बन गई है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं. हमारा ट्राई कलर का फर्स्ट एलिमेंट बन गया है. अब बना लेते हैं जीरा राइस. कढ़ाई में लेंगे 1 टेबलस्पून घी. घी गर्म हो जाए फिर उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, सॉल्ट एज पर टेस्ट. अब ऐड करेंगे पकाए हुए राइस. अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. इसे भी निकाल लेंगे एक बाउल में. ट्राई कलर का सेकेंड एलिमेंट भी बन गया है. अब बनाएंगे पालक की सब्जी. एक कढ़ाई में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल. ऑयल गर्म हो जाए फिर उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग. अब ऐड करेंगे 1 बड़े ऑनियन की पेस्ट, ये अराउंड 1/4 कप होगी. ऑनियन हल्का सा पक जाए फिर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिल्ली की पेस्ट. इसे मिक्स कर लेते हैं. सॉल्ट एज पर टेस्ट. सॉल्ट डालने से ऑनियन जल्दी से पक जाएगा. ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो तब तक इसे पकाना है. अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला. सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पालक. मैंने पालक को ब्लांच करके पीस लिया है. पालक को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर. अगर आप पालक पनीर बनाना चाहते हो तो इस टाइम पे पनीर ऐड कर दे और 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर दे. हमारी पालक की सब्जी बन गई है, इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में. हमारा ट्राई कलर का थर्ड एलिमेंट भी बन गया है. सैफ्रॉन पनीर भुर्जी, वाइट जीरा राइस एंड ग्रीन पालक सब्जी. ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना.
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।